स्वाध्याय मां श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 436 तेमा कृपाणु देवे जे चार नमस्कार कर्या छे तेमानो छेल्लो चौथो नमस्कार ए विषयनी विचारणा आपणे चालू करी छे। अने ते नमस्कार कोने कर्या छे? सहज मोक्ष मार्ग, सहज मोक्ष मार्ग ने ए अहीं आपणे कहे छे। भिन्न भिन्न प्रकारे ते जीवनो विचार थवा अर्थे ते जीव प्राप्त थवा अर्थे योगादिक अनेक साधनों नो बलवान परिश्रम करे छते प्राप्ति न थई। मोक्षनो मार्ग जे छे એમાં નિશ્ચય થી તો નિશ્ચય ને એની અપેક્ષાએ વિચારતા તો આત્માનો નિર્વિકલ્પ ભાવ, નિર્વિકલ્પ સમાધિનો જે ભાવ તે જ મોક્ષનું કારણ છે। આત્માનો નિર્વિકલ્પ સમાધિપણે પરિણમેલો નિર્વિકાર ભાવ તે જ નિશ્ચય નહીંથી મોક્ષ માર્ગનું કારણ છે। આપણે બોલીએ છીએ મૂળ માર્ગમાં પહેલા આપણને જ્ઞાન એટલે શું એ કહ્યું, પછી શ્રદ્ધા એટલે દર્શન એટલે શું એ થયું કહ્યું, અને ચારિત્ર એટલે શું કહ્યું, અને પછી ચોથી કડીમાં કહે છે તે ત્રણે અભેદ પરિણામ તીરે, તે ત્રણે અભેદ પરિણામ તીરે, જાણ વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ, સાંભળો જીનનો રે તેહ માર્ગ, જીનનો પામ્યો રે તેહ માર્ગ, જીનનો પામ્યો રે, એ કેવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ, સાંભળો જીનનો રે મૂળ માર્ગ, સાંભળો જીનનો રે। સાહેબ પૂછે છે શિષ્ય, સાહેબ પહેલા તો તમે કહેતા હતા કે સમ્યક દર્શન તે મોક્ષ માર્ગ, પછી કહો છો સમ્યક જ્ઞાન તે મોક્ષ માર્ગ, પછી કહો છો સમ્યક ચારિત્ર તે મોક્ષ માર્ગ, અને હવે કહો છો કે આ બીજું કંઈક? તો કે ભાઈ એવી વસ્તુની વ્યવસ્થા છે, વિતરાગે સાધેલો, વિતરાગે સિદ્ધ કરેલો, વિતરાગે ઉપદેશેલો એવો મોક્ષ માર્ગ જે છે તે ભેદા ભેદ રત્નત્રય રૂપ છે। ભેદ રત્નત્રય એટલે સમ્યક દર્શનની, સમ્યક જ્ઞાનની, સમ્યક ચારિત્રની આરાધના, સારા સારા વિચાર દ્વારા કરવી તે, અને અભેદ જે માર્ગ જે છે અભેદ રત્નત્રયનો માર્ગ છે તે વાણીનો વિષય નથી। માટે સમયસારમાં કહ્યું ભગવાને દર્શન નહીં, જ્ઞાન નહીં, ચારિત્ર નહીં, કેવળ એક જ્ઞાયક ભાવ જે તેજ હું છું એમ કહ્યું। એટલે ત્યાં કંઈ જ્ઞાનનો નિષેધ નથી કર્યો કે દર્શનનો નિષેધ નથી કર્યો કે ચારિત્રનો નિષેધ નથી કર્યો, પણ જ્યારે આ આત્મા સાધક જીવ આગળ વધેલી દશામાં પોતાના આત્માના અંતસ્તત્વની ઊંડી ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તે એકલો જ હોય છે। સુફી સંતોએ પોતાની રીતે કહ્યું કે પ્રેમ ગલી હતી સાંકરી તામે દોન સમાય, ભગવાનને મળવાની ગલી છે તે એટલી બધી સાંકડી છે કે તેમાં બે નહીં, હું ને હરી બે સાથે નહીં, જ્યારે હું ત્યારે હરી નહીં ને હરી ત્યારે હું નહીં। ભક્ત સંતો પોતાની રીતે મૂકે, જ્ઞાની પોતાની રીતે મૂકે, પણ બેનો ભાવ એક છે। તો કે છે મોક્ષ માર્ગ કેવો છે?
भिन्न भिन्न प्रकारे ते जीवनो विचार थवा अर्थे आत्मा नो लक्ष्य कर्या विना मात्र ध्यान करे अभेद आत्म स्वरूप जे अखंड ज्ञायक स्वभाव छे चिन्मात्र एनो लक्ष्य न होय अने अनेक साधन करे तो ते सफल नथी। जुओ एनु दृष्टांत छे ने आपणे एक विचारीए। आजकल सिनेमा नो जमानो छे, हवे सिनेमा छे एटले शुं आ बधा पिक्चर जोवा जाय छे एटले शुं थाय छे त्यां त्यां तो एक धोळो पडदो छे, चाहे भीत नो होय प्लास्टिक नो होय के कागळ नो होय, एकदम पॉलिश करेलो अने एना उपर जुदा जुदा चित्रोनु प्रोजेक्शन करवामां आवे छे। जुदा जुदा चित्रों चलचित्र ने ये पेली पट्टी होय ने फरती एनु प्रोजेक्शन करे छे, तो त्यां आखी दुनिया ना जीवो पेला पड़दा ने बदले पेला चित्र देखाय एने जुए छे। आ जीप आवी, आ जीप ऊंधी थई गई, आ मारा मारी थई, आ बहन आव्या, आ भाई आव्या, आ लोको लड़े छे, जेवा जेवा चित्रो देखाय दुनिया आखी चित्र ने जुए छे। ज्यारे ज्ञानी छे ते तो पड़दा ने जुए छे के आ पड़दो तो कई बगड़वानो नथी, पिक्चर में बहु लोही निकले ने बधु आम आखी ट्रेन ऊंधी वळी जाय ने 500 माणस आम लोही लुहाण थई जाय, पछी पेली चाप बंद करी देतो होय पेलो पड़दो लोही वाळो होय के साहेब हमणा तो अहीं आटलू बधु लोही निकळ्युं तुं पछी क्यां जतुं रह्युं। अरे भाई पड़दो हतो, ए तो पड़दो हतो प्रभु। आ प्रकारे प्रभु साधना छे बापू, साधना जे छे ते सविकल्पक साधना, ते संस्कार नी दृढ़ता माटे छे, आवश्यक छे। जेने ज्ञान नी साधना करी नथी, दर्शन नी करी नथी, चारित्र नी करी नथी, एने सहज समाधि नी प्राप्ति थई शकती नथी। परंतु एवी पोतानी जे कोई मनुष्य जो मात्र भेद साधना में अटकी जाए अने अभेद नो लक्ष्य न राखे तो पण गमे तेटला वर्षो शु युगो निकली जाए तो पण आत्मानी प्राप्ति थई शकती नथी। माटे वितरागे कहूं भेदा भेद रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग छे, अने अहींया निश्चय नेनी मुख्यता थी कहे छे माटे अभेद रत्नत्रय ते मुख्य मोक्ष मार्ग छे। फरीथी सहज अघरी वात आवे पण समझवी, धीमे धीमे समझवी। भिन्न भिन्न प्रकारे ते जीवनो विचार थवा अर्थे एटले आत्मा ने शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम चिन्मात्र ज्योति एना बीजा जेटला गुण छे ए बधा गुणों नो विचार करे, पण विचारनार मां आ विचार थाय छे, विचारनार मां विचार थाय छे, एवा विचारनार जे छे तेनो लक्ष्य न होय अने एकला विचारनो लक्ष्य होय तो ते जीवने निर्विकल्प दशानो अनुभव थई शकतो नथी। आपणे बे कृपाणु देवना अवतरण लईए एटले जेने हजू समजायु न होय ते समझी ले। पहलू अवतरण छे अपूर्व अवसर नु, चौथी गाथा नु। संयम ना हे तू थी योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष जिन आज्ञाधीन जो, शू कहे स्वरूप लक्ष जिन आज्ञाधीन जो ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां अंते साये निज स्वरूप मालीन जो। के साहब अमारे स्वरूप नो लक्ष्य करवो के जीनाज्ञा आराधवी के बन्ने एम कहसे? स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो एमा मोक्ष मार्गनी प्ररूपणा भेदा भेद रत्नत्रय थी करी। स्वरूप नो लक्ष्य ते अभेद रत्नत्रय, अने जिन आज्ञानु पालन ते
भेद रत्न त्रय एम करता करता स्वरूप नो लक्ष्य वर्धमान थाय छे, आत्मा नो लक्ष्य वर्धमान थाय छे, अने अंते थाये आत्म स्वरूप मां लीन जो, निज स्वरूप मां लीन जो। हवे तो ख्याल आवे ने भाई कि स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अने एज आपणने आत्मसिद्धि मां कह्युं उपसंहार मां निश्चय वाणी सांभळे साधन त्यजवानो निश्चय राखी लक्ष्य मां साधन करवा सोय निश्चय राखी लक्ष्य मां साधन करवा सो माटे ही कहसे तेजी उप्राप्त थवार्थे योगादिक अनेक साधनों नो बलवान परिश्रम करे छते प्राप्ति न थई। घणा साधन कर्या एने, उपवास कर्या, दान दीधू, शील पाळ्यू, क्षमा करी, जो के ते बधा मोक्ष मार्ग मां उपयोगी छे, परंतु ते उपयोगी त्यारे थाय के जारे निजानंदनी निज स्वरूपनी अभेद आत्मानी चैतन्य सत्तानी अंतरमां प्रतीति होय। माटे मोक्ष मार्ग मुख्यपणे गुरुगमथी समझवा योग्य छे। आवुं वस्तुनुं स्वरूप छे, बलवान परिश्रम करे छते प्राप्ति न थई। ते जीव जे वडे सहज प्राप्त थाय छे तेज कहवा विषे जेनो उद्देश छे ते तीर्थंकर ना उद्देश वचन ने नमस्कार करिए छे। ओहो, आटली बधी साधना करी अने तोय सिद्ध थयो नहीं, एटले सफलता मळी नहीं, तो ए साधनानी सफलता कहे छे के जे वडे ते वडे ते जीव जे वडे सहज प्राप्त थाय छे। आ अध्यात्म परिभाषा छे, समयसार समयसार नाटक, परमात्म प्रकाश, समाधि शतक इत्यादि निश्चय ने प्रधान ग्रंथों नी अंदर आनु विस्तार थी वर्णन छे। एने निज स्वरूप अवलोकन कला कहे छे, निज स्वरूप अवलोकन कला, आत्म स्वरूप अवलोकन कला अथवा भेद विज्ञान पण कहे छे। ए ज्यां सुधी जीव ने हस्तगत न थाय, जाणनार ने जाणी ने जो दुनिया ने जाने तो तेनू जाणवू सफल छे, अने जाणनार ने जाण्या विना दुनिया गमे तेटली जाणे, शास्त्रो गमे तेटला जाणे अथवा बीजी गमे तेटली साधना करे ते सफल थती नथी। કૃપાળુ દેવનું વચનામૃત આવે છે એક જગ્યાએ, અભેદ દ્રષ્ટિ આવ્યા વિના જે જીવ વિશ્વને જાણવા ઈચ્છે છે તે છેતરાય છે। શું કહે છે? અભેદ દ્રષ્ટિ આવ્યા વિના જે જીવ વિશ્વને જાણવા ઈચ્છે છે તે છેતરાય છે। જગતના સર્વ જીવો, જગતના સર્વ અજ્ઞાની જીવો છેતરાયેલા છે, કારણ કે જયારે એને ઘેર જઈએ ને ત્યારે સાહેબ આ મારો બંગલો, આ નાના દીકરાનો, આ મોટા દીકરાનો, આ વચેટનો, આ બધી ગાડીઓ છે, આ બધું અમારું રાજ રચેલું છે, આ અમારી વહુરૂ છે, આ અમારા ટેલિવિઝન છે, આ અમારા સોફા સેટ છે, એટલું બોલે ને એટલું બતાવે ને એટલું બતાવે ને પછી એને પૂછીએ સાહેબ તમે કોણ, એ વળી શું પૂછે? આ બધા તો છે પણ હું છું કે નહીં એની ખબર? ઓહો હો હો, તું ખરો 10 કરોડ નો ચેક આપ્યો પણ એકડો લખવાનું ભૂલી ગયો, પાછો આવ્યો, આટલો મોટો ચેક આપ્યો, મનમાં મલકાય કે મેં કેટલું દાન આપ્યું, કોઈ આટલું દાન નહીં આપ્યું હોય, એટલે પણ એકડો નથી કર્યો,
प्रभु साधना करे पण जहां सुधी ते तत्व दृष्टि जागी नहीं, सहज दृष्टि जागी नहीं, निज दृष्टि जागी नहीं, उपयोग दृष्टि जागी नहीं। जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, और नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो फोक। माटे आ प्रमाणे स्वरूप अवलोकननी कला ज्ञायक स्वभावी हूँ आत्मा छू, जाणनार हूँ छू, एवो भाव भासवो जोइए, एवो भाव भासवो जोइए। भाव भाषण ते मोक्ष मार्ग नु कारण छे, बोलवू ते मोक्ष मार्ग नु कारण नथी, कहवू ते नथी, सांभळवू ते नथी, अने मात्र पोपटियू रटन करवू ते पण नथी। अंदर मां भाव भासवो जोइए, एने स्वस्वरूप नो लक्ष्य कहे छे, अथवा स्वस्वरूप नी अंतरंग प्रतीति कहे छे। तेना वडे स्व संवेदन थाय छे। थोड़क अघरू आवे छे सांभळवू। आपणने कह्युं आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। एम कहूं तो आत्मा भाववानी कही, हूँ आत्मा छू एम बोल्या करे एम नहीं, अंदर मां भाव फरवो जोइए, अंदर मां भाव फरवो जोइए, फरे तो काम था। माटे माळा फरे ते एक जाप, जीभ फरे ते बीजो जाप, मन फरे ते त्रीजो जाप, पण ए त्रण ज्यारे आत्मसन्मुख थाय त्यारे जे जाप थाय ते जाप थी आत्मस्वरूप नु दर्शन थाय छे। अने ते दृष्टि श्री सद्गुरुदेव योग्य जीवोने आपे छे, ते दृष्टि श्री सद्गुरुदेव योग्य जीवोने आपे छे। के साहेब तो तमारो गुरुदेव तो बधाने सरखा गणे तो बधाने केम नथी आपता, एमने तो सर्व जीवो सरखा छे। तू नाना छोकराने तारा मुख्य कबाटनी झूड़ो आपे छे, आपे छे। साहेब पेलो चार वर्षनो छोकरो छे ने ए मुंबई गयो छे तो घरनो झूड़ो लई गयो छे, लई जाय भूलथी लई जाय, ઘરમાં બધા હરખા જ છે ને, આપણે કોઈના પર વિશ્વાસ નથી એવું છે, પણ પેલા ચાર વર્ષનો છોકરો છે એના પાસે જુડો છે મુખ્ય કબાટનો, કેમ નથી? સાહેબ એને સમજણ ન પડે એટલે એને કંઈ અપાય, એ તો નાનો છે। આ એ પ્રમાણે જગતના જીવોને પણ શ્રી સદગુરુદેવ બોધ આપે છે, સામાન્ય બોધ આપે છે, પરંતુ એ બોધ આપતા નથી, કારણ કે તે ચાવી વાપરવાની એમને આવડે એમ નથી। તો એવી વાત અહીં કહે છે, તે જીવ જે વડે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ કહેવા વિશે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થંકરના ઉદ્દેશ વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ। આવું છે ભાઈ, આવા છે વિતરાગ ભગવાન, આવા છે વિતરાગ ભગવાનના જે અનુચર શ્રી ગણધર અને શ્રી આચાર્યદેવ, અને એવા છે શ્રી વિતરાગના અનુચર શ્રી જ્ઞાની પુરુષ। તેઓ બતાવે છે તે વસ્તુ જે ભવ્ય જીવ હોશિયારીથી પકડી લે છે આ તેને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે। તો એ વાત સમયસાર કળશની અંદર આચાર્ય અમૃતચંદ્ર દેવે વિસ્તારથી કહી છે, અહીંયા તો બહુ જન સમાજ છે તેને સર્વને
बहु उपयोगी नहीं, पण ए बे जे कलश छे ए बे कलश नी शुरुआत कही जाऊं एटले अभ्यासी जे जीव होय एने घेर जई अने विशेष विचारवू। पहलो छे प्रगना क्षेत्री शितेयम कथमपि निपुणे पातिता सावधाने। प्रगना क्षेत्री प्रगना रूपी छीणी, प्रगना क्षेत्री शितेयम कथमपि निपुणे पातिता सावधाने। सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे निपतति रभसात् आत्मकर्मो भयस्य। एवो एक कलश छे अने बीजो 185 मो कलश छे जेमा आचार्य श्री कहे छे के जे भव्य जीवो छे एमने माटे ज छे, बधा माटे नथी। एमा त्यां स्पेसिफाई कर्युं भगवाने, सिद्धांतो यमुदात्त चित्त चरितै मोक्षार्थि विहितव्यताम्। उदात्त जेमना चित्तनु चरित्र छे तेवा उत्तम मुमुक्षु जनो निरंतरा सिद्धांतनु सेवन करो। शुद्धम चिन्मयम एकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम्। एते ये तु समल्ल संति विविधा भावा पृथक लक्षणा ते हम नास्मि यतोत्र ते मम परद्रव्यम समग्रापि। आ प्रमाणे करुणावंत आचार्य भगवंतोए अने ज्ञानी पुरुषोए आपणने ते सहज मोक्ष मार्ग आप्यो, ते तेमनी मूल मिलकत नथी, ए तीर्थंकरनी मिलकत छे। परंतु तीर्थंकरनी मिलकत तेमणे पचावी अने आपणने आपेली। आचार्योनी ने ज्ञानीओनी वाणी ते तेमनी अनुभव वाणी छे, पण तेना मूल स्वामी तो तीर्थंकर छे। एटले कहे छे ते तीर्थंकरना उद्देश वचन ने नमस्कार करिए छे। आ प्रमाणे आ पत्र 436 के जे अपूर्ण मळेल छे तेमा चार उत्तम नमस्कार कर्या, अने आ रीते ते नमस्कार चतुष्टय वाळो 436मो जे पत्रांक श्रीमद राजचंद्र वचनामृत नो ते अत्रे समाप्ति ने पामे छे। क्रममां त्यार पछी आपणे त्यार पछीनो जे आंक पत्रांक 437 ते विचारीशुं। अहीं पर्युषणना दिवसमां साधनानी आध्यात्मिक दृष्टिनी मुख्यता होवाने लीधे हवे पछीना पत्रमां जे आध्यात्मिक साधना बाबतनो विचार ने विषय हशे तेने कंईक विस्तार थी लईशुं, अने जेमां दार्शनिक वस्तु हशे तेने जल्दी थी लईशुं। कारण के बहु दर्शननी बहु तत्व चर्चानी जरूर नथी, पण जीवने प्रयोजनभूत तत्व समझी हे ज्ञेय अने उपादे ए त्रणने समझी जेम आपणी साधना वधे, जेम आपणने साधना मार्ग मां चालवानी प्रेरणा मळे ए आपणुं प्रयोजन छे। अर्थात आपणे मुमुक्षु साधक छीए, वाद विवाद करनार पंडित नथी, तेवू थवानी आपणी इच्छा पण नथी। माटे ए दृष्टिने लक्ष्यमां राखीने आपणे हवे पछीनी विचारणा करवाना छीए। पत्रांक 437 फरीथी प्रारंभ शेनाथी थाय छे, कई पण कार्य ज्ञानी संत करे प्रथम परमात्म पदनु अनुसंधान, परमात्म पदनु अनुसंधान माटे ओ। आ जगत ने विषे जेने विषे विचार शक्ति वाचा सहित वर्ते छे एवा मनुष्य प्राणी कल्याण नो विचार करवाने सर्वथी अधिक योग्य छे।
तथापि प्राये जीवने अनंतवार मनुष्यपणु मळ्या छता ते कल्याण सिद्ध थयू नथी जेथे वर्तमान सुधी जन्म मरण नो मार्ग आराधवो पड्यो छे। त्रण वस्तु कैसे एक मनुष्य भवनी दुर्लभता, बीजू मनुष्य भवने विषे प्राप्त थवा योग्य विवेक ज्ञान, अने ते विवेक ज्ञान न प्राप्त थवा थी जीव ने जे दुख पड़ा ते एम बात श्री गुरु आपने समझावे छे। आ जगत ने विषे जेने विषे विचार शक्ति वाचा सहित वर्ते छे एवा मनुष्य प्राणी, आपने पण प्राणी छे। प्राणी कई रीते, कया भाव मा, कारण के प्राण धारण करिए छे, श्वासोश्वास चालू छे ने, के तमारा में कोई एवं छे के भाई साहेब मैं गई काले श्वास लीधो तो हवे अठवाडिया पछी रविवारे लईश, एवं छे कोई ने भाई? गया रविवारे श्वास लीधो तो हवे आवता रविवारे चालू छे। प्राण धारणनी क्रिया जे करे छे ते प्राणी एटले आत्मा एटले जीव छे, एवी व्याख्या द्रव्य संग्रह में आवे छे ने। अभ्यासी जीवों ने खबर छे, पूर्वे अनंत काल थी जे प्राण वड़े जीवतो हतो, वर्तमान मा जे प्राण वड़े जीवे छे, अने आगामी अनंत काल मा जे प्राण वड़े जीवशे तेने अमे जीव कहीए छीए। अहींया व्यवहार नहीं नी व्याख्या छे, व्यवहार नहीं थी प्राण वड़े जीवे छे, निश्चय नहीं थी तो पोताना ज्ञान दर्शन प्राण थी जीवे छे, निश्चय नहीं थी तो पोताना ज्ञान दर्शन रूप प्राण थी जीवे छे। तो अहीं कहे छे आ जगत ने विषे जेने विषे विचार शक्ति वाचा सहित वर्ते छे, आ जगत एटले आ लोक, आ टोक्यो थी न्यूयॉर्क सुधी नू नहीं, आ ऑस्ट्रेलिया ने एशिया ने आफ्रिका ने यूरोप ने अमेरिका ए बधा खंड छे, एटली दुनिया मानवी नहीं, एटली दुनिया नथी, तो दुनिया नो एक नानो अंश छे। दुनिया ने भगवान शुं कहे छे, विश्व यूनिवर्स ब्रह्मांड, एनी अंदर तो आवा अनेक क्षेत्रों छे। तो आ जगत ने विषे जेने विषे विचार शक्ति वाचा सहित वर्ते छे, मनुष्य मनुष्य प्राणी जे छे ए बीजा बधा प्राणियों करता आगळ छे। तमारा डार्विन नी थियरी प्रमाणे पण इवोल्यूशन मां नंबर वन एनो छे, पण ए वात तो बाजू मां राखो। अहीं तो कहे छे के आपना जीवी भाषा कोई पण प्राणी ने छे नहीं। हाथी बोले छे, वाघ बोले छे, गाय बोले छे, दीपड़ो बोले छे, खिसकोली बोले छे, काबर बोले छे, मैना बोले छे, कावड़ो बोले छे, चकली बोले छे, पण कोई आवू बोली सके छे? आटला व्यंजन अने आटला अक्षर स्पष्टपणे पोताना अंतरना भाव व्यक्त करवानी सर्वोत्तम तक एक मनुष्य भाव में प्राप्त थाय छे, तेवी दुर्लभ जे वाचा एने हे भवजीवो तमे तेनो दुरुपयोग करता नहीं। श्री गुरु कहे छे, धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। आत्मानी शक्ति वपराई जाय छे तो एवी रीते वापरवी के जेथी स्व पर कल्याण था, पोताना आत्मानु पण कल्याण थाय, अन्य जीवोने पण सुखनी शांतिनी ज्ञाननी उत्साहनी प्राप्ति था। वाचा शक्ति अने विचार शक्ति, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग
has developed to its maximum extent in the human being. विचार विवेक नी शक्ति मनुष्य ने विषय सौथी वधारे विकसित थयेली जोवामां आवे छे अने तेथी ज शुक्ल ध्यान अने धर्म ध्यान नी प्राप्ति मात्र मनुष्य ने छे अने इतर 83,99,999 योनी ने ते प्राप्त नथी। केटली योनी आ विश्व ने विषय 84 लाख એમાં 83,99,999 એટલી યોનીમાં ધર્મ ધ્યાનની અને શુક્લ ધ્યાનની ધર્મ ધ્યાન અલ્પપણે કોઈક પશુને હોય છે એની અહીંયા ગૌણતા રાખો કારણ કે પંચમ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ કોઈક પશુના જીવને પણ થાય છે પણ આવું રૂપાતીત ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન તે કોઈ પણ અન્ય ભવમાં પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી માટે શ્રી ગુરુ કહે છે કે વિચાર શક્તિ વાચા સહિત વર્તે છે એવા મનુષ્ય પ્રાણી કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથી અધિક યોગ્ય છે જે કરવા જેવું છે તે કરતો નથી અને જે કરી શકતો નથી તે કરવા માટે ફાંફા માર્યા કરે છે આવું થયું છે दुनिया ने ऊंधा चश्मा डाह्या दीवाना लागे दुनिया ने ऊंधा चश्मा ज्यां पोतानी सत्ता नथी एवा परद्रव्यों मां आ जीव कर्तापणानी बुद्धि करे छे अने अनंत वीर्य स्फोरवीने जे जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी साधना करी घनघाति कर्मों ने बाळीने परमात्मा थई शके छे एवा मोक्ष मार्गनु प्रयत्न आ जीव करतो નથી સાહેબ કેમ નહીં કરતો હોય અજ્ઞાનને લીધે પ્રમાદને લીધે કેમ નથી કરતો જીવ કેમ જીવ પુરુષાર્થ સત્પુરુષાર્થ કેમ નથી કરતો અજ્ઞાન પહેલા કોણ છે પોતે એ જ ખબર નથી હું મગનભાઈ છગનભાઈ આટલી મિલનો માલિક ફલાણા નગરનો શેઠ 5 ફૂટ 9 ઇંચ 160 રતલ વજન દશાશ્રીમાળી જ્ઞાતિ આ ફલાણું અમારું ગામ આખી ઓળખાણ ખોટી આખી ઓળખાણ ખોટી એમ કૃપાલદેવ કહે છે શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ખોટું તો એને મળે છે રાતના 12 વાગે ઉઠાડીને બોલો તો બધું બોલી જાય કે તમે કોણ તો આખું બોલી જાય એનું લેક્ચર 1.5 કલાક ચાલે અને કોઈ કહે ખરેખર તમે કોણ છો મને ખબર નથી પણ કોઈ ગાંડો એવું કહેતો હતો કે હું આત્મા છું તો હું કદાચ આત્મા હઈશ કદાચ હું આત્મા હઈશ પૂછે છે આપણને અરે ભાઈ તું જીવતો જાગતો જાણનાર દેખનાર ભગવાન સિદ્ધ સમાન આત્મા છો એની કોઈ ના કહી શકે એમ છે પણ પ્રભુ એને શ્રદ્ધાના વાંધા જ્ઞાનના વાંધા અભ્યાસના વાંધા અરે દરેક વસ્તુમાં મોક્ષ માર્ગમાં એના વાંધા જ વાંધા આ એટલે જીવનું કલ્યાણ થતું નથી અહીં તો કૃપાળદેવ કહે છે કલ્યાણનો વિચાર કરવાને સર્વથી અધિક યોગ્ય છે અત્યારે નકુલ અને સહદેવ સર્વાર્થ સિદ્ધિમાં બેઠા છે અને જાપ જપે છે ક્યારે મનુષ્ય થઈએ દીક્ષા લઈએ ને મોક્ષે જઈએ સર્વાર્થ સિદ્ધિ સરવાર સિદ્ધિનું સરવાર સિદ્ધિ એટલે એક જગ્યા છે ભાઈ તમારે અહીંયા મુંબઈ એક જગ્યા કહેવાય ને ભારતમાં એવી રીતે સરવાર સિદ્ધિ એક જગ્યા છે આ વિશ્વમાં ક્યાં આગળ જ્યાંના છેલ્લા વિમાનની ધજાની ટોચથી 12 જોજન દૂર સિદ્ધશિલા ચાલુ થાય છે તે સરવાર સિદ્ધિ નામનું એક ક્ષેત્ર છે જ્યાં માત્ર એક જ ભાવ બાકી રહ્યો હોય તેવા સર્વોત્તમ જ્ઞાની પુરુષો વસે છે જેમ તમારે અહીંયા વ્યવસ્થા છે એમ ત્યાં વ્યવસ્થા છે અહીંયા તમારે કયા પેલા નેપીએનસી રોડ ને પેડર રોડ અને પછી શું કહેવાય બધું એવા બધા હોય તો ત્યાં 2-4 હજારની આવક વાળો રહી શકે નોકર બોકરની વાત નથી હો આ તો ઘર કરીને રહી શકે કારણ કે 5 હજાર તો ભાડું હોય
मोटो फ्लैट हो तो आ तो एनी 25,000 इनकम हो तो 5,000 नु भाड़ू आपे। जेम एटली आवक न हो तो अमुक नेपीएनसी रोड के पेडर रोड के शू तमु से पेलू बीजू कई वालकेश्वर ने मलबार हिल त्या रही शकाय। आ ज्यां सुधी आत्मज्ञान मात्र प्रगट न थयु होय पण एक ज भव वच्चे बाकी न रह्यो होय त्यां सुधी सर्वार सिद्धि मां जई शकातुं नथी। वैमानिक देव मां जाय पण सर्वार सिद्धि मां क्यारे जाय? एक ज भव वच्चे बाकी होय तो त्यां अत्यारे जे बैठा छे महात्माओ ज्ञानी देवो जाप जपे जी क्यारे आ देवनी गति पूरी थाय। अभिज्ञानी पण छे एमां आत्मज्ञानी छे नियम थी दरेके दरेक ए मनुष्य भवनी आपणने काई पण किंमत नथी। खावू पीवू रखडवू आ सिनेमा जोवी वीडियो फूंकवी होटल मां जवू अने घेर आवीने सूई जवू अने जीवन पूरू थई गयू। कृपाळुदेव कहे छे बहु पुण्य केरा पुण्य थी शुभ देह मानव नो मयो तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एक टळ्यो। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेश ये लक्षे लहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहो राचे रहो। आ प्रमाणे मोक्ष मार्ग नो पुरुषार्थ करवानी अपूर्व तक सुवर्ण अवसर गोल्डन ऑपोर्चुनिटी जे मळेली छे तेनो सदुपयोग करवानो आ समय छे। आम तो 365 दिवस साधना करवानी पण एमा आ छे 18 दिवस ते दरमियान विशेष करवानी। बे आमनाईना 18 दिवस गणवाना आपणे पर्युषण मोटू राखवानो। अमारा पर्युषण ने तमारा पर्युषण एवं नहीं दरोज पर्युषण थाय एवो भाव जीव में जागवो जोइए। आ तो पर्युषण आवे पेला बे दिवस एनी हवा निकली जाए एम के लो हवे पर्युषण आवशे एटले पाछू खावानू नहीं पीवानू नहीं पाछू आम जईने बेसी रहेवानू। लो जीव ने धर्म करवानू दुख छे अने कृपाळुदेव शुं कहे छे ते भव तारक सुंदर राह धरिए तरिए करी उत्साह धर्म सकल नु ए शुभ मूल ए वण धर्म सदा प्रतिकूल धर्म सकल नु ए शुभ मूल ए वण धर्म सदा प्रतिकूल। केवे ज्ञानी नी दृष्टि एक अंश तो स्वीकार बापू। ज्ञानी नी दृष्टि एक अंश तो स्वीकारे तो जीवनु अनेक प्रकारे कल्याण थाय। माटे उत्साह राखो धर्म करवो ते रड़ता रड़ता करवो नहीं अंदर मां प्रसन्न चित्त थी करवो अने प्रसन्न चित्त थाय तेज धर्म नु फल छे। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कह्यू पूजा अखंडित ते कपट रहित थई आत्मय अर्पणा कपट रहित थई आत्मय अर्पणा आनंद घन पद रे ऋषभजिनेश्वर प्रीतम माहरो प्रीतम माहरो। धर्म मार्ग नो विचार करता पण सुख छे धर्म मार्ग आराधता पण सुख छे अने धर्म मार्ग नु फल तो केवल आनंद छे। एवी दृष्टि जगाड़वी भाई एवो विवेक जगाड़वो एवो विवेक जागे तो सत्संग तेनु फल आपे छे।
तो स्वाध्याय करो कहवाय, तो सत्संग करो कहवाय, तो भक्ति करी कहवाय, तो दान दीधु कहवाय, तो शील पायु कहवाय। एम कही धर्म नु फल तो आनंद नी प्राप्ति, शांति, समाधान, संतोष, प्रसन्नता एवो अवसर मळ्यो छे एम कहे छे अहींया भाई। अने आवी उत्तम तक मळेली छे धर्म करवानी एम कृपाळु देव कहे छे। तथापि प्राय जीवने अनंतवार मनुष्यपणु मळ्या छतां ते कल्याण सिद्ध थयुं नथी। आवो मनुष्यपणु एने पहेलू मळ्युं एवुं नथी, पहेला पण ए मनुष्य तो थयो छे पण मनुष्यपणु समझ्यो नथी। ए मानव देहना पाठमां छे ने, चौथा पाठमां मोक्षमाळामां। बे आंख, एक नाक, बे कान, एक माथू, एक पेट, बे हाथ, बे पग, आ बधु होय एटले कहीं आपणे मनुष्य थता नथी। जो एवुं होय तो वानर पण मनुष्य कहेवाय। वळी वधारामां एने पूछडुं छे जे आपणे नथी, तो वांदरो आगळ के आपणे आगळ। माटे शरीर मनुष्यनुं मळे એટલે કંઈ આપણે મનુષ્ય ગણાતા નથી, પણ માનવ પણ સમજે, વિવેક સમજે, સારું નરસું સમજે, જૂઠું જાણીને છોડે, સાચું જાણીને આદરે, પોતાના આત્માને કલ્યાણમાં લઈ જનારું હોય તેવું બળપૂર્વક અંગીકાર કરે, ત્યારે પ્રભુ મનુષ્ય પણ આ જીવ પામ્યો કહેવાય। तथापि प्राये जीवने अनंतवार मनुष्यपणु मळ्या छतां ते कल्याण सिद्ध थयु नथी, जेथी वर्तमान सुधी जन्म मरण नो मार्ग आराधवो पड्यो छे। हेतु आपे छे से मैं आगला भाव में बहु आराधना नहीं करी हुए एमनी तमने शी खबर? पूछे साहेब मैं आगला भाव में बहु आराधना नहीं करी हुए एनी तमने शी खबर? प्रभु तारू जीवन वर्तमान जीवन बापू, पर पदार्थ में ज्या सुख बुद्धि छे, अंतर में स्पष्ट आत्मज्ञान नो प्रकाश थयो नथी, क्रोध आदि घट्या नथी, क्षमा आदि उत्तम गुणों ज्या प्रगट्या नथी, न्याय नीति संपन्न व्यवहार नो ज्या प्रयत्न नथी, विवेक ज्या जाग्यो नथी, त्या प्रभु तारी आराधना केवी रीते थई होय? साची जूठी तो करी, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। जीवे समझण वगरनी आराधना तो करी जे, पण समझण वाली यथार्थ साची श्री सद्गुरुए बतावी तेवी खरेखर हजू सुधी करी नथी। अने तेथी अहींया एनो हेतु आपे छे, जेथी वर्तमान सुधी जन्म मरण नो मार्ग आराधवो पड़ो, हजू चक्कर में छे, हजू चक्कर में छे। भावकर्म, भावकर्म एटले जे बधा अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ बधा भाव करे छे ने अनेक प्रकारना, ए भावकर्म थी द्रव्य कर्म एटले ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनीय कर्मो चौंटे छे। ए द्रव्य कर्म नो पाछो उदय आवे एटले भावकर्म, अने ए भावकर्म थी वळी पाछा द्रव्य कर्म। एम आ जीव संसार रूपी चक्रमा अज्ञान ने लीधे भम्या करे छे। त्यां आगळ सद्गुरुना प्रताप थी एटले सद्गुरुना बोधने ग्रहण करीने हूँ आत्मा जुदो, आ विभाव भावो जुदा, अने आ ज्ञानावरणी आदि कर्मो जुदा, एम त्रण थी जुदो आत्मा छे। आ आत्मा छे, आ द्रव्य कर्म छे, आ नो कर्म छे, अने आ भाव कर्म छे। आ आत्मा छे तो भाव कर्मो हूँ नथी, द्रव्य कर्मो हूँ नथी, ने नो कर्मो हूँ नथी, हूँ आत्मा छू। एम जे जीव नक्की करे ते जीव ने
कल्याण नो उदय थाय छे, आत्मज्ञान नी प्राप्ति थाय छे। माटे एवा आत्मा ने जाणवो, पोताना स्वरूप ने जाणवो, प्रयत्न थी जाणवो, सत्समागम थी जाणवो, अभ्यास थी जाणवो, स्वाध्याय थी जाणवो, अनेक प्रकार करीने आचार्य कहे छे, ज्ञानियों कहे छे, धन समाज कछु राज बाज कहीं काम नहीं आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर्यानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर्यानो। कितला कोटी, अने ये तो ज्ञानी छे एटले कोटी कहे, आचार्य शू कहे, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। ज्ञानी तो जरा एमनु वीर्य जरा ओछू छे, आचार्य कहे अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, आचार्य मरी ने पण तू तत्व नो कौतूहली था, एक वार मरी जईश तो एक भव जशे, पण जो आत्मा ने न जाण्यो तो अनंता भव करवा पड़शे। एज बात कृपाळुदेव कहे, एक वार जो समाधि मरण थयो तो अनंत काल ना समाधि मरण टलशे। माटे आ भव मा समाधि मरण थाय, मृत्यु महोत्सव थाय, आपणे शांति थी प्रसन्नता थी आ मित्र ने छोड़ी ने जाइए। गणो तो मित्र छे ने गणो तो दुश्मन छे, हो आ बन्ने छे, जो एनो सदुपयोग करे तो मित्र छे अने दुरुपयोग करे तो दुश्मन छे, पण एने छोड़ी ने जवानु दरेक ने नक्की छे। माटे त्यां सुधी मा ज्ञानियों कहे छे, भाई कोई पण उपाय आत्मा ने जाणो, अने ते जाणवा माटे सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, बीजा जे जे साधन सद्गुरुए बताव्या ते करो, पण आत्मा ने ओळखो, कोई पण उपाय ओळखो। अनादि एवा आलोक ने विषे जीवनी अनंत कोटी संख्या छे, समय समय अनंत प्रकार नी जन्म मरणादि स्थिति ते जीवों ने विषे वर्त्या करे छे। हवे लोक नु स्वरूप आत्मा नी मुख्यता थी बतावे छे। लोक नु शुं कहे छे, अनादि एवा आ लोक ने विषे, आ दुनिया कोईए कई बनावी नथी प्रभु, अनादिकाल थी छे, अनादिकाल थी छे 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 छे। जेम आत्मा छे ने, आत्मा साहेब क्यारे जन्म्यो हशे, आत्मा क्यारे जन्म्यो हशे प्रभु, जेनो जे जन्मे आत्मा नहीं, समझो बापू, जेनो जन्म थयो ते आत्मा नथी। अजरय मरय विनाशे आनंद घन सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी आनंद घन सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी आनंद घन सिद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। आत्मा जन्म्यो नथी भाई, जे जन्मे ते आत्मा नहीं, ए प्रकारे आ लोक कोई बनाव्यो नथी, आ लोक अनादिकाळनो छे 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 छे, हतो 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 ने रहेशे 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 रहेशे। अनादि एवा लोक ने विषे जीवनी अनंत कोटी संख्या छे, रे मारा जेवा केटला हशे, अरे के भाई तारा जेवा तो अनंता अनंत छे, शास्त्र भाषा छे। आ लोक ने विषे आत्माओनी जीवोनी संख्या केटली छे, तो कहे छे अनंतानंद। कैसे बे वार केम मूक्यु अनंतानंद, तो एनु एनी समझण आपे छे गुरुदेव,
अनंत काल सुधी अनंत जीवो सिद्ध से तो पण बाकी रहेला जीवोनी संख्या अनंत रहेशे। ए संख्या ने अनंतानंत कहेवामां आवे छे। नहीं तो पाछा चिंता करवा मांडे कि साहेब आपणे बधा सिद्ध थई जईए तो पछी अहींया कोण रहेशे, एम कहीने पाछो चिंता करवा मांडे। अने चिंता करवानी टेव, कारण के अत्यारे नवमी पेढ़ीनी चिंता करे, आठ पेढ़ी सुधी तो कई वांधो आवे वो कोई कमाई नहीं, ने महीने 10,000 वापरे तो नौ पेढ़ी सुधी कई आठ पेढ़ी सुधी वांधो आवे वो। पण दररोज हवारे उठीने कहे सांभळ्यु के ते के हा शू, अने के आपणी नवमी पेढ़ी नु शू थशे हवे। पेला बहन जरा धार्मिक छे वृत्ति वाला, एटले के मेलो ने लप तमे, आपणे तो भगवान ने भजो, हवे नवमी पेढ़ी नु शू काम छे, नवमी पेढ़ी नु शू थशे एनी दररोज चिंता करे। एम जो आ पाछो मोक्ष मार्ग आराधवा जाय ने त्यां पछी के आपणे बधाय सिद्ध थई जईशुं तो पछी अहींया घाटको पर खाली थई जाय, क्या मुंबई खाली थई जाय तो पछी शू थशे, एने बीक पेटी। अरे भाई आ लोकमां अनंतानंत जीवो छे एनी जो के झांखी आपणा ज्ञानमां विषय नथी, पण तमारे अहींया एवा पुल तो हशे ने आ चोमासामां जे दी वरसाद पड्यो होय ने पछी जरा ओछो थई गयो होय एवा दिवसे पुल उपर पेला स्ट्रीट लाइट्स होय छे ने मोटी, त्यां आगळ एने फरवा जवू अने नीचे जोवू, ओहो हो एटला जीवड़ा पांखवाळा तरफड़ 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 पांच मिनिट में तरफड़ीने खलास, केटला संख्या एटला जे लाइट नी आजूबाजू आम जो जुए तो एने ख्याल आवे के भगवाने कीधु छे ते साचू हशे। एनी हो स्थूल बुद्धि में, स्थूल बुद्धि में पण एने लागे के एक ट्यूबलाइट नी आजूबाजू हजारो जीवो, आ तो मात्र एक नाना जीवजंतु प्रभु, तो आवा तो नारकीना जीवो स्वर्गना जीवो मनुष्यना जीवो अने पशुओना जीवो माटे भगवान कहे छे ते वात साची छे के आ जी आ लोक मां अनंता अनंत जीवोनी संख्या छे, अने जगतना बधाय जीवो जे छे ते आत्मज्ञान नहीं होवाने कारणे दुखी छे। ज्यां सुधी आत्मज्ञान अंतरमां थयुं नथी त्यां सुधी आ जीव दुखी छे। जो सुखी थवुं होय तो तेनो एक ज उपाय छे, आत्मज्ञाननी प्राप्ति करवी, पोताना स्वरूपनुं यथार्थ ज्ञान मेळववुं। आ लोक ने विषे जीवनी अनंत कोटी संख्या छे, समये समये अनंत प्रकारनी जन्म मरणादि स्थिति ते जीवोने विषे वर्त्या करे छे, एवो अनंत काल पूर्वे व्यतीत थयो छे। शुं चाले छे? आत्मरामायण चाले छे, पोतानी वात चाले छे। शुं कहे छे? जीव जगतना जीवो, जगतना जीवो केटलाय जन्मे छे, केटलाय मांडा छे, केटलाय मरे छे, एम आ एक मेळो छे, पण ए मेळाने कायम मानी अने आ जीव वर्त्यो जाय छे। मेळो छे, मेळो जीवनने मेळो कहे छे ज्ञानी पुरुष। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सीधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। आ तारो 36 रूम नो बंगलो छे धर्मशाला छे एम जो माने अने ए रीते जो जीवन वितावे तो कल्याण छे। बाकी जो एम जाण्यू आ मारो बंगलो छे, आ मारी मोटर छे,
आ बधा मारा स्वजन छे प्रभु मानवा जेवु नथी बापू जेम धर्मशाला मां जईए छे पण मन मां याद छे आपणे पमदी जवानु हो आपणे पमदी जवानु हो आपणे पमदी जवानु हो याद छे એટલે એમાં મમતા કરતો નથી એવી રીતે તારા બંગલામાં જો મમતા કરી તારા ફ્લેટમાં જો મમતા કરે એ ફ્લેટમાં તો ખરી પણ આ ફ્લેટમાં જો મમતા કરી તો પણ તારા હાજા ગગડી જશે આ ફ્લેટ પણ તારો આ તો મસાણની રાખ છે યાદ રાખજે બરાબર કોઈ મોટો ગમે તેવો પ્રધાન લઈ આવો ડાક્ટર લઈ આવો વકીલ લઈ આવો રાજા લઈ આવો મહારાજા લઈ આવો દરેકને પૂછો તરત કાનપટ્ટી પકડવી પડશે ધૂન બોલે છે શરીર મસાણ ની રાખ નો ઢગલો પળમાં વીણસે ઠોકરથી એ તો પળમાં વીણસે ઠોકરથી હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી યાદી રહેવી જોઈએ પ્રભુ ખાતી વખતે પીતી વખતે નાતી વખતે બેસતી વખતે ઉઠતી વખતે બોલતી વખતે સર્વ સમયે યાદી રહેવી જોઈએ કે હું આત્મા છું દેહની અંદર રહેનારો હું દેહધારી છું દેહની અંદર રહેનારો હું દેહધારી છું માટે હવેથી તું યાદ રાખજે જ્યારે નાવા બેસે ને નાવા જ્યારે બેસે ત્યારે ટબ બાથ લે કે શાવર બાથ લે એ તારી મરજીની વાત છે ટબ બાથ આપણે બહુ લેવો નહીં ઘણું પાણી વપરાઈ જાય તે વખતે યાદ રાખજે ભાઈ કે હું શરીરને ધોવું છું હું નવું છું એમ વિચાર ન કરતો કાલથી આજથી હું નાવા બેઠો છું તું નથી નાતો શરીરને ધોવું છું નાહવું ત્યાં સબ્જેક્ટિવ ફિલિંગ છે અને ધોવું છું ત્યાં ઓબ્જેક્ટિવ ફિલિંગ છે માટે ઓબ્જેક્ટિવ ફિલિંગ રાખજે તારી જાતને આત્મા માનજે મનુષ્ય ભવનું સફળપણું કરજે એ પ્રમાણે અહીંયા આપણને 437 ની ઇન્ટ્રોડક્શન કરી વિશેષ અન્ય અવસરે